आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक शर्मा इंदौर जोन इंदौर के निर्देशन में संपूर्ण जोन में फरार आरोपियों की धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा लंबे समय से फरार चल रहे भू माफियाओं एवं इनामी बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री राजेश डंडोतिया द्वारा एंटी माफिया अभियान तहत फरार सभी माफियाओं की सूची तैयार कर उनकी धरपकड़ करने हेतु टीमों का गठन किया। उन्हें समुचित दिशा निर्देश भी दिए गए थे। इसी अनुक्रम में मुखबिर से फरार आरोपी संदीप रमानी, सतवीर छाबड़ा एवं साजिद चंदनवाला आदि के संबंध में कुछ सूचनाएं क्राइम ब्रांच को प्राप्त हुई है। अतः तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु क्राइम ब्रांच की 3 टीमों का गठन कर संभावित स्थलों पर रात्रि के समय दबिश दी गई। तो आरोपी संदीप रमानी को न्यू रानी बाग इंदौर एवं आरोपी सतवीर छाबड़ा को पागनी से पागा इंदौर से हिरासत में लिया गया तथा साजिद चंदनवाला को आजाद नगर से पकड़ा गया। आरोपी सतवीर व आरोपी संदीप को थाना कनाड़िया पुलिस के सुपुर्द किया गया। यह दोनों आरोपी गण थाना रावजी बाजार, थाना कनाड़िया, थाना खजराना एवं थाना भवरकुआ में सहकारी संस्थाओं से संबंधित पंजीबद्ध अपराधों में विगत 6 माह से फरार थे और उक्त दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर के द्वारा 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। सतबीर छाबड़ा भूमाफिया बॉबी छाबड़ा का भाई है, जबकि संदीप रमानी भी भूमाफिया बॉबी छाबड़ा से जुड़ा हुआ है। आरोपी साजिद चंदनवाला पिता दाऊद चंदनवाला निवासी रानीपुरा सेंट्रल कोतवाली के विरुद्ध प्रार्थी अब्दुल हकीम की रिपोर्ट पर थाना सेंट्रल कोतवाली में अपराध क्रमांक 273/2019 धारा 384, 387, 448 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आवेदक के द्वारा साजिद चंदनवाला व अन्य साथी के विरुद्ध दुकान पर कब्जा कर जान से मारने की धमकी संबंधित रिपोर्ट की गई थी। आरोपी साजिद चंदनवाला का सेंट्रल कोतवाली में 40 से भी अधिक प्रकरणों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जो उक्त क्षेत्र का आदतन अपराधी है और आरोपी साजिद की गिरफ्तारी हेतु 10,000 रुपए का इनाम उद्घोषित किया गया था। ज्ञात रहे कि आरोपी साजिद चंदनवाला एक अखबार भी निकालता है और लोगों को मीडिया के नाम से भी धमकाता था। क्राइम ब्रांच के पिछले दिनों की सफलताओं में आज इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है और आज 3 आरोपी जो लंबे समय से फरार थे, लगभग 6 महीने से अधिक समय से फरार थे, वो 3 आरोपी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इनके नाम है साजिद चंदनवाला, संदीप रमानी और सतवीर छाबड़ा। ये तीनों ही इन पर कई अपराध दर्ज हैं। संदीप रमानी पर रावजी बाजार, खजराना, कनाड़िया, भवरकुआ में और साजिद चंदनवाला पर कोतवाली में कई अपराध दर्ज हैं और सतवीर छाबड़ा पर भी रावजी और बाजार और कनाड़िया में कई अपराध दर्ज हैं और ये सभी लंबे समय से फरार थे, कई अन्य जगह पर जाकर फरारी काटी और क्राइम ब्रांच के अथक प्रयासों से फाइनली इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो संदीप रमानी और सतबीर छावड़ा से भी पूछताछ प्रिलिमिनरी जो की गई है उसमें इंदौर से बाहर, मध्य प्रदेश से बाहर, अमृतसर और अन्य जगहों पर इन्होंने फरारी काटी है और साजिद चंदनवाला भी रिश्तेदारों के यहाँ अलग अलग जगह पर रहे हैं और इनको गिरफ्तार भी जब किया गया है तो एक रिश्तेदार के यहाँ पाए गए हैं और अभी और इनसे पूछताछ की जा रही है। जहां पर भी जिसने भी इनको इस पीरियड में सहयोग किया है उनको भी कार्रवाई की जाएगी।